अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेला प्याज बनाने जा रहे हैं। तो जी ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, ये कड़वाहट के बगैर होंगे। यहाँ पे चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास करेले थे, आधा किलो मैंने करेले लिए हैं। उसको ऊपर से आप अगर छीलना चाहें, पील करना चाहें उसकी स्किन, तो कर सकते हैं, मैंने नहीं की। तो यहाँ पे मैंने इसको गोल गोल रिंग फॉर्म में जो है वो कट कर लिए थे। इसको अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। और एक देगची में मैंने जो है वो 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के तो इसको अच्छे से मैंने फ्राई करना है सबसे पहले। तो अगर फ्राई करेंगे तो यहाँ पे जी इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमने इस तरह से सुरख रंग के कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे प्याज लिए हैं, ऑलमोस्ट 10 प्याज थे मीडियम साइज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे उसको कट कर लिया था इस तरह से। उसके बाद करेले जब हमारे फ्राई हो गए थे, रेड कलर के सुरख के हो गए थे, तो उसके बाद हमने उसको निकाल लिया था। उसी ऑयल में हम जो है वो प्याज को फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पे जी आपको बता दूँ, ये हम सारे जो वेजिटेबल्स और ये प्याज लहसुन अदरक वगैरह एक साथ डाल रहे हैं वो इसलिए कि इन करेलों में जो सब्जियां होती हैं वो थोड़ी खड़ी खड़ी सी होती हैं, इसलिए हम इकट्ठे ही इसको डाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े टमाटर डाले हैं, 4-5 हरी मिर्च डाल दी है। और इसको जी अब मसाला बनाना है। जो करेला प्याज है उसमें जो प्याज होते हैं वो थोड़े से खड़े खड़े होते हैं, उनको ना ही तो ब्राउन किया जाता है और ना ही इसमें बिल्कुल ही जो है पेस्ट डाला जाता है। अच्छा, 1 टेबलस्पून जो है वो मेरे साल्ट डाल दिया है, 1 टेबलस्पून जो है रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है यहाँ पे, और जो 1/2 टेबलस्पून था मैंने हल्दी का डाला था, और जो करेले हैं वो भी साथ ही इसके डाल दिए हैं, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट नहीं रहती। तो आप ज़रूर मस्ट इसको ट्राई कीजिएगा। आप सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मोटिवेट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और साथ वाले बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो यहाँ हमारी ऑलमोस्ट जो है जी वो रेसिपी रेडी हो चुकी है, यहाँ पर बड़े ही मज़े के। और ये आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी जो हमने पहले इनको फ्राई किया है तो कड़वाहट नहीं रहती। जो एक साथ बनाते हैं उसमें कड़वाहट होती है। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक